हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हैपन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट देना चाहता हूं, चार्ट एनालिसिस करके बिग टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम, जिससे आपको ये पता चल पाएगा या ये मदद मिलेगी कि यहां से बीटीसी का अगर प्राइस डंप भी होता तो कहाँ तक जाकर गिरने की उम्मीद है, और अगर पंप होता तो कौन सा रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये टेस्ट कर सकता है, जिससे आपको अपने नेक्स्ट मूव के लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइएगा। तो सीधा लेकर चलता हूं आपको अपने चार्ट एनालिसिस के ऊपर। यहां पर देखिए, इस वक्त हमने सिर्फ 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है चार्ट एनालिसिस की हुई। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक फॉलिंग वेज पैटर्न, यहां से फॉलिंग वेज पैटर्न से इसने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, जैसे ही ब्रेक डाउन हुई उसके बाद देखिए करीब 38,800 करीब करीब यहाँ से हमारा शॉर्ट का सिग्नल भी एक्टिव था, और हमने आपसे एक आपको एक शॉर्ट का सिग्नल भी प्रोवाइड कराया हुआ था। और आप चाहें तो हमारे ट्विटर पेज पर, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे चार्ट एनालिसिस के बेसिस पर सिग्नल भी प्रोवाइड कराए जाते रहते हैं, जैसे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको सारे BTC के चार्ट, इथीरियम के, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ों के आपको टाइम टू टाइम सारे चार्ट देखने को मिलते रहेंगे रूने के, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका भी फायदा उठा सकते हो। तो हमारे ट्विटर पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेक हेल्प इन हिंदी, हिंदी में आई की जगह 2 लिख दीजिएगा तो मेरा आपको मिल जाएगा, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं दोबारा से, यहाँ पर ये हमारे पास चार्ट है, तो आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के पास हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि है करीब करीब 36,300 पर, 36,300 पर, और ये BTC का जो प्राइस गया 35,579 पर, यानी कि यहाँ तक इसने इसको अच्छे से टेस्ट किया, लोगों को लिक्विडेट किया, या समझ लीजिए और स्टॉप लॉस हिट किया, देन उसके बाद दोबारा से कम हो चुका है। और अभी ये 2 सपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास एक जो फॉलिंग वेज पैटर्न था उसके जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट बन चुका, उसको इसने ब्रेकआउट कर चुका है, साथ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर चुका जो मेजर सपोर्ट था हमारे पास, और इसके बाद ये ऊपर अभी चल रहा है जब तक अभी देखते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो करीब 37,000 का निकल कर आएगा। देखिए अभी जो मुझे नियरेस्ट जो इसका सपोर्ट लग रहा है और रेजिस्टेंस लग रहा है कि अभी 37,000 से 37,750 तक कोई टेस्ट कर सकता है, ठीक है, 37,000 से 37,050 को ये 750 को ये टेस्ट कर सकता है। अगर ये उसके ऊपर इसकी डे की कैंडल क्लोज होती है, मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर भी लेकर चलता हूँ, चलते हैं, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक फ्लैग दिखाई दे रहा होगा डे टाइम फ्रेम पर, ये देखिए ये रहा फ्लैग, फ्लैग को इसने ब्रेक डाउन किया, फ्लैग को इसका डाउन साइड आपका ब्रेकआउट हुआ है, और आप देख सकते हो कि इस वक्त यहाँ पर हमारे पास एक साथ में फॉलिंग वेज पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसने इसको भी ब्रेक डाउन कर लिया, यानी कि अभी ये फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन सपोर्ट से भी बिलो है, और साथ में आपका जो फ्लैग बन रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में तो इसके भी बिलो प्राइस है। अब अगर इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, इसके बाद 35,450 से करके 35,500 के आसपास आपको एक सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा करीब करीब, ठीक है, ये रहा यहाँ, हाँ 35,500 के अप्रोक्स। उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट मिलेगा, हमारे पास जो ट्रेंड लाइन, हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, साथ में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है जो कि 34,360 के आसपास या 350 तक लेकर चलते, हमारे पास एक सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 34,000, देन हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 32,800 का। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, 35,000 से नीचे 35,000 एंड बिलो BTC फुल बेरिश मोड के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर आपको और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे एंट्री ली जा सकती है। देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस अभी जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको जो पैटर्न अभी चार्ट पर दिखाई देता है, बिल्कुल मार्केट उसके ठीक अगेंस्ट ही जा रही है, आपको उसके बेसिस पे नहीं जा रही, ठीक है, तो अगेंस्ट मार्केट दिखाई जाती है दे रही होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आप 1 डे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे भी देखोगे, आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फीलिंग दिखाई देगी, और ये आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। तो अगर हम इस पैटर्न के बेसिस पर भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो BTC को जो करीब करीब यहाँ से जो ब्रेकआउट किया है तो करीब करीब 30,200 के आसपास तक इस पैटर्न के हिसाब से आपको आने की उम्मीदें लग रही है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं फ्लैग के बेसिस पर, ठीक है, तो फ्लैग के गैप का जो हमारे पास जो टारगेट है वो है करीब 26,000 के आसपास का है, बट हमने आपको छोटे छोटे टारगेट्स भी बताए, आपको इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोर्ट है, जब तक कि BTC 37,750 से लेकर 37,000 के अबव 1 डे की कैंडल क्लोज नहीं होती, यानी कि दोबारा से इस फ्लैग के अंदर नहीं आ जाता है,
ठीक है, तब तक हम पॉजिटिवनेस देख नहीं पाएंगे क्रिप्टो के अंदर। हाँ ये बात अलग है, अगर BTC यहीं से साइडवेज के अंदर चला जाता है तो बात अलग है। अगर मैं एंट्रीज की सोचता हूँ तो मैं एंट्रीज की यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, इस पॉइंट पर, और हमारे पास यहाँ से इसके रेंज में अगर मैं कोशिश करूँगा तो यहाँ से 10%, 20%, 30%, और यहाँ पर जो भी बाकी जो बचता है हमारे पास 50% के आसपास, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा इस एरिया के अंदर लेने की, पार्शली बेसिस पर, वो भी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से, ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं, होल्डिंग पर्पज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको लेने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, जो आपको शायद ही नेक्स्ट मूव करने में आपको काफ़ी काम कर आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लगती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन काम की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।